हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? अच्छे होंगे आप तो। आज हम ठहरे हैं हयात रेजेंसी अमृतसर में, और रूम हमारा ऊपर है, उसका आपको टूर देंगे। और अभी हम जा रहे हैं बूफे में, तो आपको दिखाते हैं बूफे। आओ यार, शुरू हो गया हमारा बूफे यार। यहाँ पे एज यूजल यार, जैसे फाइव स्टार होटल्स में होता है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं, जैम दे रखे हैं आपको, आपने जो भी डालना है। और यहाँ पे मिल्क मिल रहे हैं आपको, अलग अलग तरह के जो आपने डाल लेने हैं। अरे यार, पंजाब में पूरी आलू ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? ये रही हमारी पूरियाँ, छोटी छोटी सी पूरियाँ, बढ़िया सी। ये पड़े हैं छोटे छोटे पकोड़े यार, पालक के। और अमृतसर में आए और पूरी ना खाएं, मैं तो पूरी भी लेने वाला हूँ। एक ले ली पूरी। और यहाँ बना रखी है इन्होंने पनीर की भुर्जी। वाह, देखो क्या ज़बरदस्त लग रही है यार, क्या क्वालिटी है। और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। थोड़ी सी यहाँ पर पनीर की भुर्जी भी डाल लेता हूँ मैं। पूरी के साथ लेने के लिए आलू की भाजी आ गई यार। ये थोड़ी सी आलू की भाजी मैं इधर साइड में ही डाल लेता हूँ, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। और यहाँ पे हैं छोले, तो मैं तो आलू के साथ पूरी खाने वाला हूँ तो छोले नहीं लेने वाला। पर छोले देखो यार, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, खुशबू आ रही है। अमृतसरी छोले शानदार, मसाले वाले, वाह। अब जिन्होंने हेल्दी ऑप्शन खाने हैं उनके लिए यहाँ पे पड़ा दलिया खिचड़ी। हमारी आ गई लेमन सेवैया उपमा, देखो क्या बढ़िया लग रही है। सेवैया लेमन के ट्विस्ट के साथ डाली हुई है। इनको हम अभी स्किप कर देंगे, पर खुशबू जो आई ना इसको खोलने से, क्या बात है, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भाई फाइव स्टार है और सॉर्टेड वेजिटेबल्स में, ऐसा कभी हो सकता है? तो आप ये देख लो क्या बढ़िया फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स लग रही हैं। ये देख लो जी, क्या बढ़िया खुशबू आ रही थी इनको खोलने से, क्या बात है। तो अब अगर हेल्दी ऑप्शन खाना है तो अब आ गया जी मशरूम बेक्ड बीन्स। अरे बाप रे यार, ये देख लो, ये मशरूम बेक्ड बीन्स आ रही है, क्या बढ़िया लग रही है। अब तो भाई आ गई मेरी फेवरेट चीज़, चिली गार्लिक पोटैटो। वाह क्या बात है, क्या बढ़िया लग रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। ये लो जी, हमने अपनी प्लेट में डाल लिया। अब आगे दिखाते हैं आपके पास हमारे पास क्या है। अब भाई जिन लोगों को प्रेफर करते हैं एग खाने सुबह सुबह नाश्ते में, उनके लिए बॉयल्ड एग्स दे रखे हैं। ये देख लो जी आ गया, जिन लोगों को सुबह सुबह नॉन वेज में चिकन चाहिए होता है तो उनके लिए आ गया जी चिकन। आप देख लो क्या बढ़िया ग्रेवी वाला चिकन लग रहा है। ये देख लो सारी सॉर्टेड वेजिटेबल्स भी इसमें डाल रखी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी इसको खोलने से। अगर आप सॉसेजेस के फ़ैन हैं तो यहाँ पे चिकन सॉसेजेस हैं, इनको तो भाई हम अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। ये देख लो क्या बढ़िया सॉफ्ट फ्रेश फ्रेश सॉसेजेस लग रहे हैं, तो इनको हम अपनी प्लेट में डालते हैं। ये लो जी, इन बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी लग रही है, देखने में इतना एपेटाइजिंग लग रहा है, खाने में तो भाई मज़ा आ जाएगा। ब्रेड वाला सेक्शन शुरू हो गया, यहाँ पे आ गए जी चीज़। और यहाँ पे पड़े हैं यार आपके सैलड्स में स्प्राउट्स आ गए हैं, चना है, दालें हैं कुकम्बर के साथ। यहाँ पे यार देखो बढ़िया सा चुकंदर भी है, आपने डालना है। और आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की ड्रेसिंग भी मिल जाएगी, सैलड ड्रेसिंग। तो एक बार देखो आपको ऑप्शन नज़र आ रही, कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन दे रखे यार। और यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको भी मिल जाते हैं, बारीक पत्ते बढ़िया बढ़िया से काटी कटिंग करके यार। जूस की भी ऑप्शन है आपके लिए, फ्रेश जूस पड़ा। और यहाँ पे पपाया और साथ में चिया सीड दिए हैं यार बॉटल में, इतने अच्छे से सजा के रखे हैं। और यहाँ पे आ गए हैं डिफरेंट तरह के कर्ड्स, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, जो भी कर्ड्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे देख लो बेवरेजेस का सुबह सुबह ऑप्शन क्या है हमारे पास। आ गई कोल्ड कॉफ़ी, फिर आ गया मिक्स फ्रूट जूस, स्वीट लाइम जूस और वाटरमेलन जूस। तो हम तो भाई अपना मिक्स फ्रूट जूस ले लेते हैं। तो यार अब ब्रेकफास्ट में डेजर्ट ना खाएं और बेकरी सेक्शन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो यार ये क्या जबरदस्त सेक्शन है यार। यहाँ पे देखो डोनट्स कितने अच्छे से सजा के रखे हैं। उसके बाद आ गई क्रूजॉन्स। क्रूजॉन्स तो यार मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं तो एक लेने वाला हूँ चीज़ क्रूजॉन। यहाँ पे मैंने ले लिया, मैंने पहले चिकन सॉसेज लिया था और ये मज़ा आ गया। और साथ में यहाँ पे पड़े हैं जी फ्रूट डैनिश। ओ यार जिनको मीठा पसंद है वो डैनिश कैसे छोड़ सकते हैं, तो एक डैनिश भी ले लेते हैं। आगे यहाँ पे केक्स हैं, कप केक्स हैं और मफिन्स पड़े हैं आप देख रहे हो। और यहाँ पे पड़े हैं केक्स, यहाँ मार्बल ड्राई केक पड़ा है और यहाँ वनीला ड्राई केक भी आपके लिए पड़े हैं। यार फ्रूट्स तो मैं तो आज थोड़ा हेल्थी भी लेने वाला हूँ, तो मैंने फ्रूट्स ले लिए। ये आ गए जी वाटरमेलन ले लिया मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं पपाया। ठीक है जी, ये आ गया अपना। और इधर पड़े हैं सैंडविचेस, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड वाले हैं और साथ में हैं वाइट ब्रेड में, जो नॉर्मल लेना चाहते हैं। तो मैं तो भाई ब्राउन ब्रेड वाला एक सैंडविच ले रहा हूँ। और क्या अच्छे से सजा के रखे हैं यार, राइस खीर भी दी हुई है सुबह सुबह, तो ये तो हम बाद में ट्राई करेंगे। खीर देखो क्या ज़बरदस्त है इनकी, और बूफे यार ज़बरदस्त नज़ारा आ गया है। और यहाँ पे पड़े हैं इनके सलामी, ये चिकन सलामी और सलामीज पड़ी हैं यार। किस किस को ब्रेकफास्ट में सलामी खानी पसंद है यार,
मेरे को तो पसंद है और मैं लेने लगा हूँ सलामी, चिकन सलामी मैंने अपने लिए ले ली है। तो आके यार हम यहाँ लाइव काउंटर चल रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड्स हैं, देखो ब्रेड्स हैं, यहाँ पे ग्रिल कर सकते हो अपनी ब्रेड, और ऑमलेट लग रहा है, एक ऑमलेट ये लगा रहे हैं शेफ, देखो ऐसे बढ़िया साथ के साथ बना हुआ मिल जाता है। तो आपको एग्स मिल जाएंगे, पैनकेक मिल जाएंगे, और मैं तो लेने लगा हूँ अपने लिए इडली, यानी बढ़िया सी इडली पड़ी है, देखो इडली ले ली अपने लिए एक, और इधर है जी सांभर, वाह मज़ेदार सांभर, ये आ गई हमारी सांभर, और यहाँ पे मिल रही है जी चटनी, नारियल की चटनी, ये चटनी ही असली फ्लेवर बनाती है यार चटनी इडली के साथ, मैं तो बहुत खुश होकर खाता हूँ। तो भाई मैं तो ले आया हूँ अपने लिए इडली, और मैं तो सुबह सुबह इडली का यार ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करके ना बहुत खुश होता हूँ, साथ में मैंने ले रखा है अपना जूस मौसम्मी का, तो सबसे पहले करते हैं यार इडली ट्राई, और बहुत ही सॉफ्ट है यार मज़ेदार, उस पर लगाते हैं थोड़ी सी चटनी, करते हैं इंजॉय। वाह मज़ा आ गया, बहुत फ्रेश और बहुत सॉफ्ट, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इडली सांभर मिल जाए यार नज़ारा आ जाता है। पहले तो ब्रेकफास्ट में आज ले लिया, हेल्दियर ऑप्शन पे आ गया हूँ, इडली मैंने पहले खाई थी, ये आ गए यार मेरे चिली पोटैटोस, साथ में ले रखे हैं यार बड़े ही शानदार चिली, ये हैं जी चिकन सॉसेज, और ये है मेरी यार स्टर फ्राई स्टीम्ड वाली वेजीज। अब देखो ये मेरा आ गया मसाला ऑमलेट, और अभी टेबल के ऊपर साथ के साथ आता है, आप ऑर्डर देके आ जाओ। इधर तो हेल्दी ऑप्शन चल रहा था, पर हमने तो सारा कुछ ही उठा लिया, तो आओ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रेश फ्रूट्स, और भाई मजा आ रहा है इन सबको खा के, और यहाँ पे मैंने लिया म्यूसली हनी डाल के, और क्या बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे मैंने लिया अपनी फेवरेट चीज, मैंने लिया है यहाँ पे अपना स्ट्रॉबेरी योगर्ट, और मैंने अपना पंजाबी ब्रेकफास्ट तो छोड़ना था नहीं, तो मैंने ले लिया जी आलू के पराठे, ये इसको एक पराठा गिना जा रहा है यहाँ पे, मतलब सही में यार। और पनीर भुर्जी यार देखने में बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही शानदार, ये देखो पनीर भुर्जी क्या बढ़िया लग रही है भाई साहब। इसने ले लिए अपने केक्स और सारा सामान, अभी पैन केक का भी ऑर्डर देके आई है, डोनट्स है यार क्या जबरदस्त लग रहा है, डोनट्स पे देखो थोड़ा ऊपर से रेड वेलवेट का स्प्रिंकल कर रखा है, क्रूजॉन ले लिया है, ठीक है, फिर साथ में मफिन है वनीला मफिन है, और ये है जी इनका चॉकलेट मफिन, हाँ, और साथ में मैंने बेवरेज के लिए लिया जी कोल्ड कॉफी। इसके अलावा लाइव काउंटर पे मैंने पता क्या ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर दिया है वॉफल और पैनकेक्स का, वो भी आ रहा है, और जब तक वो आ रहा है आप हमारे फटाफट से रूम टूर ले लो, बहुत ही एंजॉय करेंगे, रूम टूर लेकर आ जाइए, फिर दिखाते हैं आपको आगे की इनकी और क्या ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं। तो हम स्टे कर रहे थे हयात रेजेंसी अमृतसर में, तो ये हमारा आ गया जी रूम, एंड रूम काफी बड़ा था, और एंटर करते ही सबसे पहले आ जाती है जी हमारी क्लोजेट जहाँ पे पड़ा है जी हमारा लगेज, देन हमारा आ जाता है टीवी और बार सेक्शन, बार सेक्शन में एक मिनी फ्रिज है, और साथ में जो बेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड करे हुए थे उन लोगों ने हमें, वॉशरूम एरिया अगेन आप देख लो काफी अच्छी लाइटिंग है, सारे वॉशरूम सप्लाईज इन लोगों ने हमें प्रोवाइड करे हुए थे, और बहुत ही क्लीन है, एंड एक सेपरेटेड शावर एरिया है, देन आ जाता है जी ऑफिस एरिया, और साथ में भाई व्यू चेक कर लो, व्यू हम ठहरे हुए थे 14th फ्लोर पे, एंड सारा अमृतसर यहां से दिख रहा था, और सामने मॉल है। ये स्टे हमें पड़ा 6400 रुपीस प्लस टैक्सेस फॉर 3 एडल्ट्स, में ब्रेकफास्ट और जिम इंक्लूडेड था, तो हमें तो बड़ा मजा आया। तो भाई कैसा लगा आपका रूम टूर, बहुत मजेदार रूम टूर होगा, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूं अपना मसाला ऑमलेट, और बहुत ही जबरदस्त है यार इतनी बढ़िया वेजेस बीच में डाल के, मैं इंजॉय कर रही हूँ जी म्यूसली, आमंड्स वगैरह चिया सीड्स वगैरह वहाँ पे पड़े थे तो मैंने थोड़े से डाल लिए, और फिर मैं योगर्ट खा रही थी, योगर्ट में भी बहुत वैरायटी थी, मैंगो योगर्ट था, पाइनएप्पल योगर्ट था, मैंने ले लिया स्ट्रॉबेरी योगर्ट, भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और जूसेस भी इनके जो फ्रेश जूस है ना बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, यम्मी मज़ा आ गया, और मैं तो एक मफिन ट्राई करने वाला हूँ चॉकलेट का मफिन यार, ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म हो रहा है तो मैं मीठे में एक मफिन थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है यार, मज़ा आ गया, मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया ख़त्म, अब मेरी आ रही कॉफ़ी, कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, और आशू आप क्या खा रहे हो? हम अभी ये ख़त्म करेंगे, कॉफ़ी आ रही है, वॉफल आ रहा है न्यूटेला के साथ, मेपल सिरप का ऑप्शन था पर हमने न्यूटेला चूज किया, वो आता है तो वो आपको दिखाते हैं। गर्मा गर्म कॉफ़ी अपनी आ गई यार, यार सुबह सुबह ज़बरदस्त कॉफ़ी मिल जाए ब्रेकफास्ट के बाद, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा वॉफल आ चुका है, साथ में व्हिप क्रीम आ चुकी है, और ऊपर हमने उनको बोला था न्यूटेला लगा दो भाई साहब, क्योंकि हमारा तो वो फेवरेट है, तो अब इसको ट्राई करते हैं फटाफट से।
ये लो। जब तक ये ट्राई कर रही है ना, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि इसका हमें कॉस्ट क्या गया। हम लोग थे यहाँ पे यार 3 एडल्ट, जिसमें अब हमारा रूम था हमारा, हमने टूर दिखाया आपको, और साथ में था हमारा ये बूफे ब्रेकफास्ट। ये हमें कॉस्ट कर गया 6400 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ पे। आपको भी आना है तो हयात अमृतसर बुकिंग आप करवा के आ सकते हैं, और यहाँ पे वैसे आने पे भी बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ से, 3-5 किलोमीटर पे अमृतसर। अगर यहाँ से गोल्डन टेंपल गुरुद्वारे जाना है तो 5 किलोमीटर पे है, और आपको ये वहाँ पे ड्रॉप भी, पिक एंड ड्रॉप भी कर देते हैं, सर्विस दे देते हैं 2 बार कम से कम, तो बहुत बढ़िया आपके लिए। यहाँ पे ठहरिए, गोल्डन टेंपल जाइए, मथा टेकिए, और आसपास जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं घूमिए और इंजॉय कीजिए। तो हम भी करते हैं इस ब्रेकफास्ट को इंजॉय, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।